मथुरा जनपद में सुबह तड़के बुधवार को मथुरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको बता रहे हैं कि 29 जनवरी को जितेंद्र भारद्वाज की यमुना पार क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार इलाका पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिली कि घटना का मुख्य अभियुक्त कृष्णा चौधरी पुत्र सुखवीर सिंह उर्फ सुक्को शिवनगर कॉलोनी बलदेव रोड थाना यमुना पार निवासी अपने साथियों के साथ मिलकर जनपद छोड़कर भागने का प्रयास कर रहा है। तभी इलाका पुलिस और एसओजी टीम ने उसकी घेराबंदी कर दी, जिससे बौखलाई बदमाश पुलिस टीम को देखकर पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है। वहीं उसके दो दोस्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस भागे हुए बदमाशों की सरगर्मी से तलाश में जुट गई है। तो वहीं कृष्णा चौधरी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना जमुना पार में दिनांक 29 को नितेंद्र भारद्वाज की गोली मार के हत्या की गई थी, जिसमें नेम्ड अभियुक्त कृष्णा और उसके चार साथी अन्य को नेम्ड किया गया था। आज जमुना पार पुलिस और एसओजी को ये सूचना मिली कि कृष्णा जो है वो यहाँ से निकलने वाला है। इस पर इन लोगों द्वारा एम्बुश लगाया गया था, उसमें जब उस गाड़ी को स्कूटी को रोका गया तो वो भागने का प्रयास किया और पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कृष्णा के पैर में और हाथ में गोली लगी है, उसको अस्पताल भेजा गया है। दो अभियुक्त उसके जो साथ थे वो फरार हो गए हैं, उनकी काम्बिंग की जा रही है, कई टीमें लगाई गई हैं जो उनकी तलाश कर रही हैं।